प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद हमें एक शेर याद आ गया, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, यहाँ रोशनी मयस्सर नहीं शहर के लिए। प्रीपेड मीटर व्यवस्था आज जो है जनता को इतना कठिनाई में डाल दिया है कि आदमी जो है अपने कमाई का अधिकांश हिस्सा बिजली विभाग को समर्पित कर रहा है। पहले 200 150 में गरीब गुरुआ बल्ब जलाता था और उसका जो है बिजली बिल आता था तो वो बिजली कार्यालय में आके जमा कर देता था, नहीं था जमा कर देता था। अभी उसी गरीब के घर में वही 4 बल्ब जलेगा, उसके यहाँ एसी नहीं होता है, उसके यहाँ पंखा एक ही रहता है, वो लोग मैदान में सोते हैं, घर के बरामदे में सोते हैं, लेकिन उनका बिल 700-800 आता है। और यदि वह बिल नहीं जमा कर पाते हैं तो उनका लाइन काट दिया जाता है। इसीलिए हम बोले कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, यहाँ रोशनी मयसर नहीं शहर के लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जनता के इच्छा के विरुद्ध आप स्मार्ट मीटर नहीं कीजिए। विश्व का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ कि पहले आप पैसा दीजिए तब आपको हम खाना देंगे। आप होटल में चले जाइए तो होटल में आप बैठते हैं तो आपको खाना दे देता है और तब पूछते हैं कि कितना पैसा हुआ, तो उसको उतना पैसा देते हैं। बिजली विभाग कहता है नहीं, पहले तुमको हमको पैसा दे दो तब हम तुमको बिजली देंगे। तो ये तो बहुत ही नेचुरल ऑफ जस्टिस क्या कहते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। सर अगर के लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं सर आप? देखिए पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी है उन्होंने आह्वान किया, ये स्मार्ट मीटर बिहार के गरीब जनता के लिए काला कानून है। आज बिहार पूरे देश में सबसे गरीब स्थिति में है। बिहार में बेरोजगारी भी बेसी है, बिहार में बाढ़ के सिवाय ना तो यहाँ कोई खनिज संपदा है ना ही कोई कल कारखाना है, और उस परिस्थिति में बिहार में सबसे ज़्यादा ये स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली विभाग लूटने का काम कर रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर स्थानीय प्रखंड स्तर के कांग्रेस के नेता लोग भी आज इनके स्मार्ट मीटर के विरोध में आज एक दिन का प्रदर्शन किया। अगर वह नहीं सरकार खेती और ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगवाने का काम करेगा तो जो प्रदेश से इन लोगों को आह्वान होकर के आएगा जन आंदोलन के लिए, झाझा कांग्रेस पार्टी अति रहेंगे और हम लोग भी आमंत्रित सदस्य हैं। हम लोगों को भी कांग्रेस के पदाधिकारी लोग आमंत्रित किए हैं और आने वाला समय में भी विश्वास दिलाते हैं कि ये काला कानून जो ये काला थोपने का काम कर रहा है बिजली उपभोक्ता पर, जहां 200 250 300 रुपया जिस परिवार का बिजली बिल आता था उस परिवार में आज स्मार्ट मीटर लगने के बाद 1000 1200 1500 का बिल आ रहा है, ये तो अन्याय है, इसका विरोध होना चाहिए। और कल आज से 4-5 दिन पहले राजद का भी था माले का भी था, तो बिहार का समस्त विरोधी दल जो भी है सरकार के इस कानून का विरोध में है और आने वाला समय में झाझा का भी जो भी समाज सेवी हो बुद्धिजीवी हो या जो भी दल के लोग हो इस काला कानून का विरोध करें।